एक नई दुल्हन जब ससुराल में आई तो उसकी सास बोली, बहू कल माता के मंदिर चलना है। बहू ने पूछा कि सासू माँ, एक तो वो माँ है जिसने मुझे जन्म दिया और एक आप हो, और कौन सी माँ है? सास बड़ी खुश हुई कि मेरी बहू तो बहुत सीधी है। सास ने कहा, बेटा पास के मंदिर में दुर्गा माता है, हम वहीं जाएंगे। सुबह होने पर दोनों एक साथ मंदिर जाती है, आगे सास पीछे बहू। रास्ते में एक मंदिर आया तो बहू ने मंदिर में गाय की मूर्ति को देखकर कहा, माँ जी देखो ये गाय का बछड़ा दूध पी रहा है, मैं बाल्टी लाती हूँ और दूध निकालते हैं। सास ने अपने सिर पर हाथ पीटा कि बहू तो पागल है और बोली, बेटा ये स्टैच्यू है और ये दूध नहीं दे सकती, तुम चलो आगे। मंदिर के प्रवेश द्वार में जैसे ही प्रवेश किया तो एक शेर की मूर्ति दिखाई थी। फिर बहू ने कहा, माँ आगे मत जाओ, ये शेर खा जाएगा। सास को चिंता हुई कि मेरे बेटे का तो भाग्य फूट गया और बोली, बेटा पत्थर का शेर है, ये कैसे खाएगा, चलो अंदर मंदिर में। अब सास बोली, बेटा ये माता है और इनसे जो चाहे मांग लो, ये माता तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। बहू ने कहा, माँ ये तो पत्थर की है, ये क्या दे सकती है और ये हमें क्यों कुछ देगी? बहू बोली, माँ जब पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता और तो और पत्थर का शेर खा नहीं सकता, तो ये पत्थर माता जी की मूर्ति क्या दे सकती है और हमें ये क्यों देगी? बहू आगे बोली, अगर कोई दे सकती है तो वो आप है माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब सास के पास बहू के इस तर्क का कोई जवाब नहीं था, तो सास ने बहू से पूछा, तो क्या हम मंदिर ना आए? तो बहू ने कहा कि माँ आप उम्र में मुझसे बड़ी है, इसलिए मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं आपको कुछ ज्ञान दूं। सास ने कहा, नहीं तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा, क्योंकि तुमने मेरे मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, जितना ज्ञान मुझे मिला है उसके अनुसार हमें मंदिर में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए जाना चाहिए, धन की प्राप्ति या समाज में सम्मान की प्राप्ति के लिए नहीं। सास ने पूछा, ऐसा क्यों? तब बहू ने कहा कि माँ मैं मंदिर जाने या भगवान की पूजा करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हमें दो वक्त की रोटी नसीब है, हमारे हाथ पैर सही सलामत है, हम ठीक से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ना हमें कोई रोग है और ना ही मन में कोई पीड़ा। इतना ही नहीं, समाज में उचित सम्मान भी है और घर आराम से चला सके इतना धन भी है, और तो और मेरे पास इतनी अच्छी सास है जो मेरे लिए माँ ही है। जब इतना कुछ ईश्वर ने दे दिया है तो फिर मैं और क्यों मांगू? अब तो मेरा फर्ज है कि मुझसे जितना हो सके आप सबकी सेवा करके अच्छे कर्म कर अपने जीवन को सुंदर बनाऊं। तभी सास की आंखें खुली और दोनों ने माताजी की पूजा कर घर लौटे। शायद अपने जीवन में पहली बार सास ने माताजी को धन्यवाद कहा। वो बहू पढ़ी लिखी थी या नहीं, लेकिन तर्क और विवेक के सहारे बहू ने सास को जागृत कर दिया। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो पहले असहाय और जरूरतमंदों गरीबों की सेवा करो, अपने परिवार की सेवा करो और समाज में लोगों की मदद करें। मानव सेवा ही सर्वोच्च सेवा है, अच्छे कर्म ही ईश्वर की सबसे सही पूजा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और आगे ही ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।